हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी नौकरी। स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं और वो है सब इंजीनियर का। लेकिन हम सब इंजीनियर क्या है, ये कितने पोस्ट हैं, ये सब बताने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि हमारे यूट्यूब पे चलने वाले सारे क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से सुटेबल हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या है ये सब इंजीनियर का पोस्ट। ये देखिए, अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये है आपका जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन। यहां पे इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि उप अभियंता सिविल का जो पोस्ट होगा वो उसके लिए वैकेंसी हम रिक्रूटमेंट आमंत्रित करते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित करते हैं जो भी योग्य कैंडिडेट हो, इलिजिबल कैंडिडेट हो उनके द्वारा। आप अगर यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है जो कि छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आपसे यहां पे बात करें तो यहां जो है ये आपका टोटल पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ यहां पे आपको पेमेंट दे दिया गया है कि हम कितना पेमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पोस्ट है और जितने भी सिविल इंजीनियर हो आपके लिए तो सबसे बड़ा गुड न्यूज है डियर कि आपके लिए यहां पे टोटल 400 पोस्ट है। सैलरी के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो 35,400 की सैलरी है और यहां पे एज लिमिट अगर मैं आपको बताऊं तो एज लिमिट 18 से 40 वर्ष तक का रखा गया, 18 से 40 वर्ष तक का रखा गया है यहां पे एज लिमिट। हमारे लिए ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि कभी कभी हम एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर हम वहां से बाहर हो जाते हैं। लेकिन गाइस यहां पे 18 से 40 वर्ष रखा गया है, सैलरी भी अच्छी खासी है, गवर्नमेंट की एमिनिटीज साथ में आपको मिलेगी और उसके साथ साथ अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास बीटेक है, साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो बेशक आप यहां पे अप्लीकेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एग्जामिनेशन फी के बारे में बात करें तो जितने भी आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उन सबको 350 रुपीज देने पड़ेंगे और जो अगर ओबीसी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो उनको 250 पे करना पड़ेगा। तो ये तो था आज का हमारा ये छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल का सब इंजीनियर की वैकेंसी की डिटेल और यहां पे आप लोग मिस मत कीजिएगा। इस डिटेल के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा कि क्या है, कैसा है, क्या यहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्या नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सारी चीजें आपको वीडियो के अवेलेबल होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो चलिए गाइस इस ये जो आपकी वैकेंसी आई है इस पे नजर बनाए रखिए और देखिए कि किस तरीके से आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें फिट बैठते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी किया कीजिए जिससे हमें पता चले कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फिर आप किस तरीके का जॉब अपडेट चाहते हैं। इन सारी चीजों को हम यहां पे कंपाइल करके डिफरेंट डिफरेंट सेशन में कंटिन्यू किया करेंगे। थैंक यू सो मच।